उदाहरण नौ। प्रश्न, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। हल, चित्र क्रमांक 33 के अनुसार एक तिर्यक रेखा एडी खींची जो दो रेखाओं PQ और RS को क्रमशः बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करती है। कोण ABQ की समद्विभाजक किरण BE है। कोण BCS की समद्विभाजक किरण CG है तथा BE समांतर CG है। सिद्ध करना है PQ समांतर RS। यहां दिया गया है कि किरण BE कोण ABQ की समद्विभाजक है, इसलिए कोण ABE बराबर 1/2 कोण ABQ, समीकरण 1। इसी तरह से किरण CG कोण BCS के समद्विभाजक है, इसलिए कोण BCG बराबर 1/2 कोण BCS, समीकरण 2। परंतु BE समांतर CG और AD एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ABE बराबर कोण BCG, समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं 1/2 कोण ABQ बराबर 1/2 कोण BCS या कोण ABQ बराबर कोण BCS। परंतु कोण ABQ और कोण BCS तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाओं PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण हैं और बराबर हैं, इसलिए PQ समांतर RS। यही सिद्ध करना था। कटा तो नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ से फिर से